हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रसूले किचन। आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी, जो फ्रेंड बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। फ्रेंड आलू गोश्त बनाना बहुत ही इजी है और बेसिक मसालों से बनकर आलू गोश्त तैयार हो जाता है। ई फ्रेंड देगी आलू गोश्त की रेसिपी शुरू करते हैं। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ले लिया आधा किलो मटन का गोश्त। गोश्त को मैंने बहुत ही अच्छे से धोकर साफ कर लिया। गोश्त बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ले लिया कुकर। आप हांडी पतीला किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ml हम मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म करना है। ऑयल फ्रेंड आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। ऑयल हमारा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। एक मीडियम साइज की प्याज लेके मैंने स्लाइस ये कट कर लिया, ये ऐड कर देते हैं। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करना। प्याज हमारी फ्रेंड्स अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। प्याज को हम निकाल लेते हैं। प्याज को प्लेट में निकालकर ठंडा कर हाथों से क्रश कर ले मोटा मोटा। अब फ्रेंड ऑयल में बहुत से ऐड कर देते हैं। एक से दो मिनट तक फ्रेंड्स गोश्त को भूनने दे। ऑयल हाई फ्लेम से फ्रेंड्स मैंने 2 से 3 मिनट तक गोश्त को अच्छे से भून लिया है। गोश्त हमारा व्हाइट हो चुका है। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। 1 से 2 मिनट तक और भूनने दे अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स अदरक लहसुन डालकर गोश्त को भूनते हुए थोड़े से पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून लिया है फ्रेंड्स मैंने धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने नमक, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने जीरा पाउडर। सारे मसाले ऐड कर देते हैं। ये बेसन मसाले हैं, आपको आपकी किचन में ही मिल जाएंगे। मसाले डालकर 2 से 3 मिनट तक और गोश्त को अच्छे से भून लेते हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स 1 तेज पत्ता ऐड कर दे। इधर इसमें 2 से 3 मिनट तक गोश्त को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। गोश्त को टेंडर करने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये लिया है 1 गिलास पानी। पानी एक्स्ट्रा देता है, मिक्स कर लेते हैं इसको। कुकर की नीड लगा था फ्रेंड्स हाई फ्लेम पर 1 विसल आने का वेट करते हैं। 1 विसल आने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर लें। लो फ्लेम पर गोश्त को टेंडर होने तक पका लेते हैं। आलू गोश्त के लिए फ्रेंड्स एक खुशबूदार मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची, जावित्री का फूल, जायफल का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 4 लौंग, लेमन स्टिक का टुकड़ा। सबका फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने ले लिया है आलू। मैंने 4 आलुओं का इस्तेमाल किया। आलुओं को छील कर पानी में डाल दिया जिससे काले ना पड़े। आलुओं को मैं लंबे पीसेस में कट कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से आलू कट कर सकते हो, छोटे या बड़े। मैं बड़े बड़े आलू डाल रही हूँ गोश्त में। आलू को काट कर उठाकर अभी साइड रख देते हैं। 1 मिनट हो चुका है फ्रेंड गोश्त को पकते हुए। ई खोल कर गोश्त चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड पानी डाल दे, बहुत ही बहुत गर्म है। ये देखें गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से कर चुका है। गैस का फ्लेम ऑन करके फ्रेंड हमने गैस के फ्लेम को हाई कर लिया। हाई फ्लेम पर हमें गोश्त को बहुत ही अच्छे से भूनना है। इसी के साथ ही मैंने 3 टेबल स्पून भर के लिया दही ऐड कर देते हैं। प्याज को फ्रेंड्स हमने क्रश करके रखा हुआ था, ये भी ऐड कर दे सारी। थोड़ा सा खुशबूदार मसाला बनाकर रखा था, आधा अभी ऐड कर देते हैं, आधा बाद में ऐड करेंगे। और गोश्त को बहुत ही अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स गोश्त को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। सारे दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। आलू ऐड कर देता है। आलू डालकर भी 1 से 2 मिनट तक गोश्त को भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड आलू डालकर भी मैंने 1 से 2 मिनट तक गोश्त को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ मसाला कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। आलू गोश्त पर ये देखते हैं एकदम दानेदार मसाला बनकर तैयार हुआ है। और खुशबू होगा तो कहने क्या है, बहुत अच्छी सब्जी उड़ रही है। अब ग्रेवी लगा लेते हैं। तो ग्रेवी लगाने के लिए मैं 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शोरबा गाढ़ा या पतला कर सकते हो। कुकर की लीड लगा दे फ्रेंड्स हाई फ्लेम पर 2 विसल ले लेते हैं। 2 विसल आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और कुकर को ठंडा होने दें। ये देखिए फ्रेंड्स कुकर की स्टीम रिलीज हो चुकी है। लीड खोलकर आलू चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आलू बहुत ही अच्छे से हमारे टेंडर हो चुके हैं यानी कि गल चुके हैं। बचा हुआ खुशबूदार मसाला ऐड कर देते हैं। आप महीन कटा हरा धनिया। आलू गोश्त हमारा बनकर तैयार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है आलू गोश्त में से। एकदम देगी स्टाइल आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। मैं आपको जो शॉप करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड खुशबूदार मजेदार देगी स्टाइल आलू गोश्त पककर हमारा तैयार है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। थोड़े से फ्रेंड हरे धनिया से गार्निश कर लेते हैं आलू गोश्त को। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें।